हम बात कर रहे थे साइको एनालिटिक थ्योरी की आज इस लेक्चर में सबसे पहले। तो भाई साइको एनालिटिक थ्योरी के हम कहें फाउंडर या जिस थ्योरी को इस थ्योरी को जिसने प्रपोज किया वो ऑस्ट्रिया से थे और इनका नाम था इनको हम देखो नाम से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि भाई ये ऑस्ट्रिया से थे वो तो बात ठीक है, लेकिन इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। यानी कि आज जो साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना पेशेंट्स का जो कि मेंटली इल है या मेंटली इशू है उनको कुछ, तो वो कर पा रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज साइको एनालिसिस थ्योरी। ये कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रूड है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रपोज की और उनके कुछ इतनी सारी स्टडीज आई हैं ब्रेन को लेकर हमारे माइंड को लेकर जो कि काफी इफेक्टिव है आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं मेंटली इल लोगों को। सो दैट इज ऑल बिकॉज और उसमें बहुत बड़ा हाथ है फ्रूड का हम कह सकते हैं, दैट्स व्हाई इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, अच्छा इस थ्योरी को साइको एनालिटिक थ्योरी को कहीं कहीं पर फ्रूड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। फ्रूड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसको इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रूड ने ही थ्योरी को प्रपोज किया। तो भैया फ्रूड के हिसाब से तीन कॉम्पोनेंट्स हैं उसकी थ्योरी के, ठीक है, इम्फेसाइज किया उसने इड पर, ईगो पर और सुपर ईगो पर। कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई इड क्या होता है एक सिंपल लैंग्वेज में, फिर हम थोड़े टेक्निकल टर्म्स में चलेंगे, ईगो क्या होती है और सुपर ईगो क्या होती है। आप कुछ कुछ आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इनसे, मे बी ईगो से आपको पता है कि ईगो क्या होती है, मे बी सुपर ईगो आपको अच्छे से नहीं पता हो या इड नहीं पता हो तो आज पता चल जाएगा। तो भाई कॉम्पोनेंट्स में आने से पहले तीन चीजें समझो, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक डिफरेंसिएशन दिया फ्रूड ने इन तीनों के बीच में, कॉन्शियस प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूड एंड विच इज क्वाइट ट्रू ऑल्सो। बहुत सारी स्टडीज आज हम मॉडर्न डेज में कर पा रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन ऑफ कॉन्शियस यू नो अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस का मतलब होता है जिसको कॉन्शियस में बदला जा सके, पोटेंशियल है कि उसको कॉन्शियस में बदला जा सकता है, तो वो सारी चीजें होती हैं किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, प्री कॉन्शियस में, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो। अनकॉन्शियस में डेफिनेटली वो चीजें रहती हैं जो अनकॉन्शियस होती हैं विच आर नॉट कॉन्शियस एट ऑल, लाइक जिसपे आपकी अवेयरनेस नहीं होती, अटेंशन नहीं होती, जैसे रात में आपको ड्रीम्स आती हैं, कुछ चीजें जो आपके दिमाग में दिन भर चलती रहती हैं उस हिसाब से, तो दैट इज प्रेजेंट इन योर सबकॉन्शियस। एंड देन वी हैव कॉन्शियस माइंड जो डेलिबरेट थिंकिंग आप करते हो, कोई भी चीज आप मेमोरी जो मेमोरी में होती है, जो मेमोरी है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, कि आप कोई भी चीज अगर उस पर ध्यान दे दो, फोकस दे दो, अवेयरनेस ले आओ, सो दैट बिकम्स कॉन्शियस माइंड। सो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कॉन्शियस प्री कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, ऑल्दो कि उनसे डील हमें नहीं करना है, बट एक बात आपको याद रखनी है जो फ्रूड ने कहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। अकॉर्डिंग टू फ्रूड इड रिसाइड्स इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, इड जो है अकॉर्डिंग टू फ्रूड ये हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में होता है, जो कि कॉन्शियस नहीं होता, जिसमें अवेयरनेस नहीं होती, वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में होता है। ईगो इन द प्री कॉन्शियस, ईगो जो होती है ये प्री कॉन्शियस माइंड में होती है, जिसको कॉन्शियस में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल होता है। एंड द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड यानी कि ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस में भी है और कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में भी है, बात समझ में आती है ईगो की है। एंड सुपर ईगो विच रिसाइड्स इन ऑल द थ्री, और सुपर ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस में भी है, कॉन्शियस में भी है, अनकॉन्शियस में भी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेट्स टॉक अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, आपके समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इड हियर। इड क्या है? तो इड सबसे पहले आपको बात याद रखनी है ये चीज कि भाई इड जो है इट इज द ओनली पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ, वो पार्ट जो कि बर्थ से, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इड वो पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, आपकी पर्सनैलिटी का ये वो पार्ट होता है जो कि इनहेरिट होके आता है। यू नो कुछ चीजें होती हैं जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे अंदर आई होती हैं,
ट्रांसफर हो रहा होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू जीन्स. That is what we called as DNA popularly. So id jo hai, it is the only part of the personality jo ki present hota hai already at the birth. To ye inherited part hota hai, samjhane ke liye main yahan par likh deta hu, inherited part hota hai ki bhai ye inherit hota hai from the previous generation, or we can say it is already present. Already present hota hai at the time of birth. So only part of personality जो कि present है at the time of birth, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है. अब ये अगर clear है तो अब आगे चलते हैं. So जैसा कि मैंने कहा कि inherited होता है, so it is inherited primitive, inaccessible and completely unconscious. इसको हम access भी नहीं कर सकते. जैसे कि भूख लगी हो, अगर हंग्री हो आप, भूख लगी है तो जब तक खाना नहीं खाओगे आपको भूख लगती ही रहेगी. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स इनएक्सेसिबल. सो कुछ नीड्स ऐसे होती हैं एट द टाइम जब आप बर्थ ले रहे होते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी इनहेरिटेड होती हैं आपके अंदर. थ्रस्ट, हंगर, इफ अ बेबी इज क्राइंग आउट ऑफ हंगर, वो क्राई करता रहेगा जब तक वो उसकी हंग्रीनेस नहीं मिटती, जब तक वो खाना, जब तक उसको कुछ पिलाया खिला नहीं दिया जाता. ठीक है, सो मतलब कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी इनहेरिटेड होती है. जैसे आपको चोट लगेगी सो द बेबी विल क्राई, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज ऑलरेडी इनहेरिटेड कि उसको इस चोट का एहसास होगा. क्राइंग, प्लेजर, ये सारी चीजें ऑलरेडी इनहेरिटेड होती है एक बंदे में और वही इड होती हैं. आई होप यू गॉट एन आइडिया. थ्रस्ट, हंगर, ये भी क्या होती हैं? ऑलरेडी इनहेरिटेड होती हैं. सो ये इड में आती हैं. सो इट इज इनहेरिटेड, प्रिमिटिव, इनएक्सेसिबल और कंप्लीटली अनकॉन्शियस होती हैं. ठीक है, आई होप यू गॉट एन आइडिया. सो अब इड में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट. इड में कितनी चीजें हो गई? दो चीजें हो गई. ध्यान से समझ रहे हो ना? ठीक है, इड में दो चीजें हो गई, लाइफ इंस्टिंक्ट्स, डेथ इंस्टिंक्ट्स. लाइफ इंस्टिंक्ट में आपके बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा हंगर, थ्रस्ट. लाइफ इंस्टिंक्ट में बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हो गए, जिसमें हम कह सकते हैं आपको भूख लगी है, हंगर, थ्रस्ट. तो भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आती हैं. ये भाई आपके अंदर जन्म से है, भूख लगना, प्यास लगना, है ना. सो प्लेजर सीक करना, दुख किसी चीज के लिए रोना अगर चोट लगी हो, है ना, या कुछ किसी कुछ दुखा दिया हो आपको, मान लो मार दिया हो, है ना. सो दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ पर्सन, इट इज इनहेरिटेड वी कैन से, देयरफॉर इट इज इन इड, द ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट एट द बर्थ. लाइफ इंस्टिंक्ट में बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हो गए, और क्या हो सकता है लाइफ इंस्टिंक्ट्स में? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स हो गए. तो ये भी क्या है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ऑलरेडी इंडिविजुअल के अंदर इनहेरिटेड होते हैं बर्थ से ही कुछ इंस्टिंक्ट्स, जैसे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स. लेट्स टॉक अबाउट डेथ इंस्टिंक्ट्स, व्हिच अकाउंट्स फॉर अग्रेसिव इंपल्सेस. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, व्हिच अकाउंट्स और नोट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ऑल द नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में और भी बातें आपको मिलेंगी इन सब चीजों के अलावा. सो टेंशन लेने की बात नहीं है. सो विच अकाउंट्स फॉर अग्रेसिव इंपल्सेस, कि भाई आपको कोई मारने आएगा तो एक तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप उससे बचने की कोशिश करोगे, या मे बी आप उसको मारने के लिए उठोगे, या अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा करोगे कि आप उसको मारोगे या बचने की कोशिश करोगे, यहां से भागोगे. सो ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये लाइफ डेथ इंस्टिंक्ट्स में आते हैं, कि आप पर कोई हमला भी होगा, इवन आपकी लाइफ को कोई खतरा होगा, आपकी सिक्योरिटी को खतरा होगा, सो विल ट्राई समथिंग. वो इंस्टिंक्ट्स डेथ इंस्टिंक्ट्स में आते हैं, एंड दैट ऑल्सो इज देयर इन यू एट द टाइम of your birth, also inherited होते हैं, id की id में आते हैं, and that part of personality that is present at birth. ठीक है, so अगर sum up करें इस चीज को तो last line में क्या लिख सकता हूं इसकी, कि it is the basic instinct what we are born with, needs and desires. So it is a basic instinct what we are born with, यानी कि कुछ needs और desires,
नीड्स हंगर थ्रस्ट, ठीक है, डिजायर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। डेथ इंस्टिंक्ट्स हमने पढ़ा कि भाई हम बचाव की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर हो रहे कुछ हमले अगर या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, सो डेफिनेटली वी ट्राई टू यू नो डिफेंड इट एंड डू समथिंग अबाउट इट, सो दैट इज डेथ इंस्टिंक्ट। मैंने बहुत ही आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश किया है, सो आई होप इड आप समझ गए होंगे कि भाई वो पार्ट पर्सनैलिटी का जो कि ऑलरेडी इनहेरिटेड है और बर्थ के ही टाइम से प्रेजेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईगो। देखो ईगो का मतलब होता है हु यू आर, जो आप हो वो ही इनकॉर्पोरेट करती है ईगो को, या आपका सेल्फ क्या है। तो सबके अंदर अलग अलग ईगोज होंगी, और आई डोंट थिंक सो आज के टाइम में कोई भी इंसान है जिसके अंदर ईगो ना हो। कुछ बातों को लेकर, कुछ वैल्यूज को लेकर देयर इज ऑलवेज सम ईगो, देयर इज बिकॉज ईगो इज नथिंग बट हु यू आर, सो ईगो तो होनी है। बट डेफिनेटली द लेवल्स ऑफ ईगो कि भाई किसी के अंदर ज्यादा है किसी के अंदर कम है, दैट डिपेंड्स। सो ईगो इट्स बेसिकली द लॉजिकल रैशनल एंड रियलिस्टिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का लॉजिकल रैशनल और रियलिस्टिक पार्ट, एक जो रियल पार्ट है रियलिटी के साथ मिलके, जब आप इड में हो रहे नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हो, वी कैन से दैट इज व्हाट ईगो इज। जो 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 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं जो भी हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नीड्स और डिजायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, रियलिटी से जब तुम कनेक्ट करते हो चीजों को, इट्स यू नो इट बिकम्स ईगो। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल की मदद से समझ में आएगा। लेट्स सपोज यू आर एट अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में हो, नाउ यू आर वेरी थर्स्टी, ठीक है, आपको प्यास लगी है, एंड यू वेटिंग फॉर यू नो वेटर टू रिफिल योर वाटर, इंस्टेड ऑफ जस्ट ग्रैबिंग और यू नो ड्रिंकिंग फ्रॉम योर मदर्स ग्लास ऑफ वाटर, यू जस्ट वेटिंग फॉर वेटर की वो आए और आपकी पानी के ग्लास को भरे। ये नहीं कि भाई मम्मी के ग्लास का वाटर रखा है, यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, नो, यू वेटिंग फॉर वेटर टू रिफिल योर ग्लास एंड देन ओनली यू विल ड्रिंक। दैट इज व्हाट ईगो इज, दैट इज हु यू आर, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज हु यू आर, दैट्स व्हाई यू हैव डिसाइडेड कि आई वेट फॉर द वेटर। सो दैट इज व्हाट ईगो इज, इट्स अ लॉजिकल रैशनल एंड रियलिस्टिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड रिमेंबर द ईगोज जॉब इज टू मीट द डिजायर्स ऑफ द इड। How? By using reality and delaying gratification or satisfaction. I'll delay gratification. ठीक है, मुझे दुख हो रहा है, होने दो, ठीक है, but मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा। That is what ego is. मुझे उससे बात करने में अच्छा लगता है, but मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पेक्ट कम होगी। That is, this is who you are. That's your ego. ठीक है, so ईगो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईगो क्या है। इट्स हु यू आर, और वी कैन से द वेरी सेल्फ यू आर, दैट इज ईगो। लेट्स टॉक अबाउट सुपर ईगो नाउ। सुपर ईगो को समझाने के लिए यहां पर ध्यान से देखो, सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। एट द टाइम 5-6 ऑफ योर एज, जब आप 5 और 6 साल की उम्र में आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज डिवेलप हो रही होती है, मॉरल्स ऑफ सोसाइटी डिवेलप हो रहे हो कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज व्हाट सुपर ईगो इज। एंड दैट्स व्हाई द वेरी स्टार्ट फ्रूट ने कह दिया था कि भाई सुपर ईगो रिसाइड्स इन ऑल द थ्री, इन प्री कॉन्शियस, इन कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। सो नाउ व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ एज 5 to 6, द मॉरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी सुपर ईगो इज फॉर्म। नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो सुपर ईगो कब बनता है, मॉरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी कब डेवलप होती है, जब 5 या 6 साल का बच्चा होता है, जब उसमें समझ आ जाती है अच्छे और बुरे की थोड़ी बहुत। नाउ दिस इज टू पार्ट्स ऑफ दिस सुपर ईगो, हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉन्शियस एंड द सेकंड इज ईगो आइडियल। कॉन्शियस का मतलब हो गया इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बिहेवियर्स, वो सारे बिहेवियर्स जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको पनिश किया जा सकता है, या जिन बिहेवियर्स के लिए कहीं ना कहीं आप गिल्टी फील कर सकते हो, सारे कॉन्शियस में आते हो। लेट्स सपोज आप एक खाली रोड में हो, आपके हाथ में कुछ कोक का पैकेट है, कोक का पैकेट बोल रहा हूँ, कोक के कैन है और एक चिप्स का पैकेट है, और लेट्स सपोज आपने पी लिया, खा लिया, एंड देन यू जस्ट थ्रो इट अवे, है ना, लेकिन उस समय कोई था नहीं तो भाई आपने फेंक दिया। बट थोड़ा आगे चल के, थोड़ा एक दो कदम आगे चले, आपको गिल्ट महसूस हुआ कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो डस्टबिन है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, क्लीन रखना चाहिए। बाकी कंट्रीज देखो कितनी क्लीन रहती है, वो ऐसा थोड़े ना करते हैं, तो आपको गिल्ट हुआ ये। सो दैट बिहेवियर आउट ऑफ कॉन्शियंस आपके अंदर आया, तो कॉन्शियंस सुपर ईगो से कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो कॉन्शियंस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सुपर ईगो, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बिहेवियर्स फॉर व्हिच वी हैव बीन पनिश्ड एंड अबाउट व्हिच वी फील गिल्टी।
ईगो आइडियल वो बिहेवियर्स होते हैं जिनके लिए हमें प्रेज किया गया होता है, रिवॉर्ड किया गया होता है, एंड आउट ऑफ विच वी फील प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन आल्सो, वो सारे ईगो आइडियल वाले बिहेवियर्स होते हैं। तो कॉन्शियस और ईगो आइडियल, आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो ये थी साइको एनालिटिक थ्योरी फ्रॉइड के द्वारा दी गई, जिसमें हमने इड जो कि इनहेरिटेड पार्ट है ईगो विच हु यू आर, और सुपर ईगो यानी कि जो मॉरल कंपोनेंट डेवलप होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। साइकोएनालिटिक थ्योरी अगर आपको समझ में आएगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, नोट्स की चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों बाद ओबी के नोट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद टाइप थ्योरीज। टिल देन टेक केयर।